नहीं, 23 के जो बवाल है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो एक और बवाल है, वो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का, जिसको पहले एनटीए वालों ने कुछ और आंसर दिया, बाद में कुछ और दिया, अल्टीमेटली वही दिया जो मैंने आपके चैनल पे, मतलब अपने चैनल पे पहले से ही डाल रखा है और करेक्ट आंसर दे रखा है। वो क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स और एजर्सन था अपने पास, हीलियम इज़ यूज टू डायल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस और हीलियम हैज़ हाई सॉलिबिलिटी इन O2। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए थे। तो पहले उन्होंने जब आंसर की रिलीज किया तो बोला था बोथ आर ट्रू, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट को सही माना था। जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर लाइनें साफ साफ लिखी गई हैं, जिसको अगर हम रीड करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज बोलना चाहता है वो। तो देखिए, ये वाली लाइन हीलियम के लिए बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न ड्राइविंग अपरेटस। इतना तो सही बात है जो पहले बोला यूज में, बिकॉज इट्स वेरी लो सॉलिबिलिटी। अब एनसीईआरटी में लो सॉलिबिलिटी करके दिया है इन ब्लड, और ब्लड में ही O2 होता है, मतलब O2 में उसकी सॉलिबिलिटी लो है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, एलन ने, आकाश ने, रेजोनेंस ने आंसर ये दे रखा था कि दोनों सही है और रीजन लेकिन सही नहीं है। जबकि एनसीईआरटी की लाइन क्या है, एनसीईआरटी की लाइन तो साफ साफ ऐसा बोल रहा है, इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग अपरेटस बिकॉज इट इज वेरी लो सॉलिबिलिटी। और कैसे हीलियम कहीं ज्यादा सॉलिबल हो सकता है, इतनी लो मोलर मास की गैस है। तो जो वहां पर बोला है कि ये बहुत ज्यादा सॉलिबिलिटी रखता है, हीलियम हैज हाई सॉलिबिलिटी, इसे होना तो गलत ही चाहिए था। तो थैंक यू इन एनटीए वालों को कि कम से कम उन्होंने अपने आंसर को एक्सेप्ट तो किया कि हाई सॉलिबिलिटी कैसे दे सकते हो इसको O2 में। अगर O2 में ज्यादा सॉलिबिलिटी तो बॉडी में तो O2 ही है, हीमोग्लोबिन में तो O2 ही है, वहां पर तुमने लो सॉलिबिलिटी, एनसीईआरटी में साफ साफ बोल रखा है लो सॉलिबिलिटी। तो इसी वजह से फाइनली इसका आंसर उन्होंने चेंज कर दिया, ए पार्ट से बी पार्ट कर दिया कि पहला तो सही है और रीजन फॉल्स है, जो मैंने सबसे पहले आपको नीट के एग्जाम के दिन ही आधे एक घंटे बाद मैंने आपको आंसर की दे दिया था। और यही आंसर आपको बताया गया था कि बी पार्ट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के साफ साफ लाइन है हीलियम हैज हाई सॉलिबिलिटी बोलना गलत बात है, हीलियम हैज लो सॉलिबिलिटी बोलना सही बात होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको मिल रहे हैं बहुत सारे एक्स्ट्रा नंबर, ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ, और आपके लिए लेकर आ रहे हैं एम्स के कॉलेजेस की लिस्ट, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा किस नंबर पर आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।